सब मिलेगा जूम टीवी .in। ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, स्टारर गुजारिश का म्यूजिक लॉन्च कर रहे थे अमिताभ बच्चन, पर ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन इस इवेंट के बीच में से ही चले गए। अभिषेक बच्चन के जाने की वजह जल्दबाजी थी या फिर नाराजगी, इसका फैसला ये विजुअल्स ही कर रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय कभी गुजारिश टीम के साथ गाना गाकर मस्ती में झूम रही है, तो कभी दिखा रही है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। लेकिन क्या ऐश्वर्या को जरा भी अंदाजा था कि अभिषेक इस शाम में खुद को इतना इग्नोर फील कर बैठेंगे कि इवेंट को पूरा छोड़ कर ही बीच में से चले जाएंगे। I had some idea about what the evening is going to be like, but in terms of, I think spontaneously, everybody just being pulled up and singing kind of reminded us of us being on the set. Reportedly, sets पर भी ऐसा कुछ हुआ था कि अभिषेक ऐश की शूटिंग देखने चले गए थे, ये भी हम आपको बताएंगे टुडे इन अ फॉलो अप। लेकिन पहले जान लेते हैं इस इवेंट पर नजर आई ऐश के हबी की नाराजगी की वजह। और शायद कई बार अभिषेक की खोज खबर लेने के बाद ऐश्वर्या ने भी ऋतिक के साथ इस इवेंट को एंजॉय करना ही बेहतर समझा। तो क्या ऋतिक के साथ वाइफ की थर्ड टाइम पेयरिंग और दोनों के काफी इंटीमेट नजर आ रहे ऑन स्क्रीन इमेजेस ने अभिषेक को गुजारिश के इस म्यूजिक लॉन्च पर कर दिया इतना इनसिक्योर कि वो बीच में से ही उठकर चले गए? कमिंग अप, ऋतिक और ऐश्वर्या ने क्या दी इंटीमेट सीन पर सफाई एंड रिवील्ड, आखिर क्यों अभिषेक ने की थी गुजारिश के सेट पर रहने की गुजारिश? ट्यूजडे नाइट एट 1 AM रणबीर नजर आए बैंड्रा के ऑलिव रेस्टो बार में एक मिस्टीरियस फॉरेनर के साथ मस्ती करते, आखिर कौन थी वो वुमन? टाइम 1 AM, डे 20th October, जगह मुंबई बैंड्रा का ऑलिव रेस्टो बार। अकॉर्डिंग टू अ मुंबई डेली, रणबीर कपूर नजर आए एक व्हाइट वुमन के साथ कुछ रोमांटिक मूड में। अपेरेंटली रणबीर बैंड्रा के रेस्टो बार में अपने दोस्तों के साथ किसी की बर्थडे पार्टी में आए थे, लेकिन इस पार्टी में वी फाउंड रणबीर फॉन्डनेस फॉर अ टॉल लेगी लैस जिसने स्टाइलिश ब्लैक और गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, एंड द वुमन वॉज लुकिंग मोर लाइक अ फॉरेनर। एंड अकॉर्डिंग टू द क्राउड प्रेजेंट एट द पार्टी, रणबीर ने अपने हाथों से वुमन को केक खिलाया। यस, इफ द ऑनलुकर्स आर टू बी बिलीव्ड, रणबीर ने मिस्टीरियस वुमन को केक खिलाने के बहाने थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ही ली। आज हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं सलमान खान की हैंड राइटिंग, जिसे देखकर आप ये जरूर मान लेंगे कि ये सलमान शायद 5वीं पास से फेल हैं। ये हैंड राइटिंग किसकी है पता है आपको? नहीं नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड के किसी बच्चे की नहीं, उनका नाम लिखा है यहीं पर, पढ़ लीजिए, मिस्टर सलमान खान। पहले जरा ये पढ़ लीजिए कि सलमान ने यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स को नौकरी से निकालेगा, भगवान उसको इस दुनिया से ही निकाल देगा। अब ये सब सलमान ने खुद लिखा है अपने हाथों से, ऑन अ कार्ड व्हिच आल्सो हैज हिज सिग्नेचर। तो अब सलमान की ये राइटिंग देखिए, इससे देखकर अंदाजा लगा रहे हैं ना आप कि कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है पेंटर बाबू की। इससे साफ तो कोई 5वीं पास का बच्चा लिख ले, मगर सलमान के अक्षर तो मानो सिर्फ उनको ही समझ आएंगे। बर्लिन में फिल्म डॉन 2 के लिए शाहरुख खान ने लगाई 300 फीट से जंप, जंप लगाने से पहले शाहरुख के चेहरे पर नजर आया डर। आप कहेंगे कि हम आपको इस बिल्डिंग की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही बिल्डिंग है जहां से शाहरुख ने लगाई 300 फीट ऊंची छलांग। ये देखिए, इस तस्वीर में शाहरुख अकेले खड़े होकर बिल्डिंग की ऊंचाई जज कर रहे हैं, और इस तस्वीर में शाहरुख को प्रिकॉशंस के साथ जंप के लिए किया जा रहा है तैयार। शाहरुख की नजरें नीचे हैं और उनके चेहरे पर नजर आ रहा है डर, और अब कैमरे को धीरे धीरे नजदीक लाया जा रहा है, मतलब वक्त आ गया है शाहरुख के स्टंट करने का। और ये देखिए, शाहरुख ने लगा दी है छलांग, अब शाहरुख हवा में झूल रहे हैं। एंड यस, आफ्टर डूइंग दिस डेंजरस स्टंट, किंग खान इज शोइंग हिज मिलियन डॉलर स्माइल। कनाडा में अक्षय ने एक कपल की हेल्प की उनके बच्चे का ख्याल रखकर, लेकिन उस कपल ने अक्षय से ही पूछ लिया, कौन है आप? You read it right. This is the reason for Akshay shock. Akshay Kumar ke is written message se lagta hai ki wo hai kafi surprised, kyunki Canada mein ek couple ne kar diya unke star hone ke aura ko bilkul hi ignore. The buzz is ki Frankfurt airport par khade Akshay ek couple ke bacche ko out of generosity kar rahe the babysit for a few minutes as the couple was busy with some documentation formalities. Yahan tak to baat theek thi. Jab aaya wo couple wapas to thank Akshay for his help, to bechare anjaan couple ne pooch liya Akshay se ye sawal.
थैंक यू वेरी मच बट मे वी नो योर नेम प्लीज। बस ये सुनते ही अक्षय को लग गया धक्का। बी टाउन के इतने बड़े स्टार बन के रह गए एक अननोटिस्ड ऑर्डिनरी मैन। अब हमारे बेचारे अक्षय ने अपने इसी अपसेट मूड में एक्सप्रेस कर दिए अपने व्यूज ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। Well, Akshay, we can just sympathize with you on this. अब जब अमेरिकन अथॉरिटीज शाहरुख को पहचानने में कर सकती है भूल, तो फिर ये तो बेचारे एक फॉरेन कपल ही थे। Please don't take it on your heart. Reality shows की TRP battle में जीत गए हैं Mr. बच्चन। अमिताभ बच्चन का quiz reality show open हुआ है सबसे ज्यादा viewership के साथ। Which Bollywood celebrity would be most watched? TV reality shows में Bollywood celebrities ने ली अलग अलग channels पर host बनकर entry. Salman Khan Big Boss 4, Priyanka Chopra खतरों के खिलाड़ी 3, Akshay Kumar Master Chef India और Amitabh Bachchan आए with कौन बनेगा करोड़पति season 4 लेकर. और TRP reports prove कर रही हैं कि इन सब celeb host में Big B ही viewership की race में निकल गए हैं सबसे आगे. KBC season 4 ने first week में बटोरी सबसे ज्यादा 5.3 average TRP. और शो ओपन हुआ 6.2 पॉइंट्स की हाई पर। सलमान खान का बिग बॉस सीजन 4 ओपन हुआ 4.8 TRP पर, लेकिन नेक्स्ट 6 डेज की TRPs गिर कर रह गई सिर्फ 3.2 की एवरेज पर। प्रियंका चोपड़ा के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 की शुरुआत हुई 5.5 पॉइंट्स की TRP से, लेकिन फर्स्ट वीक का एवरेज निकला सिर्फ 4.4। और अक्षय कुमार और उनके शेफ वाले अवतार को एक बार फिर ऑडियंसेस का खास अटेंशन नहीं मिल पाया, क्योंकि मास्टर शेफ इंडिया के प्रीमियर ने जुटाई है जस्ट 2.6 TRPs, जो रियलिटी शोज के द मोस्ट वॉच्ड होस्ट बिग बी की TRPs के आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। न्यूज आई है कि दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप अब हर ऑफर से पहले बोल रहे हैं सिर्फ एक बात, पहले 20 करोड़ लाइए फिर बात करेंगे। फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप का एटीट्यूड भी दबंग हो गया है अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज। अभिनव कश्यप को जो भी प्रोड्यूसर फिल्म के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें अभिनव अपनी डायरेक्टोरियल फीस 20 करोड़ रुपए बता रहे हैं। अभिनव अपनी कॉस्ट तो 20 करोड़ रुपए बता रहे हैं, लेकिन बता दें कि उनके पोर्टफोलियो में अभी 2 ही फिल्में ठीक से नहीं फिट होती, क्योंकि युवा में तो वो सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे। वैसे अभिनव कश्यप के बदले बदले एटीट्यूड का क्लू फिल्म दबंग रिलीज होने से पहले ही उनके इस जवाब में मिल गया था। पिक्चर ही बनाई है दबंग, जो किसी से दबे नहीं, या इन अदर वर्ड निडर फियरलेस, तो डरना क्या है। इतना ही नहीं, अभिनव के बदले बदले एटीट्यूड की इन्फॉर्मेशन जूम ने आपको पहले भी दी थी, जब एक पार्टी में अभिनव अपने ब्रदर अनुराग कश्यप के साथ भी बनाए हुए थे दूरियां। गुजारिश के म्यूजिक लॉन्च में ऐश्वर्या ने माना कि कई फिल्में साथ करके ऋतिक के साथ उनका कंफर्ट लेवल बढ़ गया है, कहीं इसी वजह से तो नहीं बढ़ गई है अभिषेक की इनसिक्योरिटी। गुजारिश के म्यूजिक लॉन्च में तो अभिषेक इवेंट के बीच में ही चले गए, जहां उन्हें होना चाहिए था वहां तो वो रुके नहीं, लेकिन वहां जाने की कोशिश जरूर की जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, यानी गुजारिश के सेट्स पर। सोर्सेस की माने तो ऐश और ऋतिक के बीच इंटिमेट सीन की शूटिंग हुई थी गुपचुप तरीके से, यानी हो सकता है कि इस सीन की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और उनके लिमिटेड क्रू मेंबर्स के अलावा सेट पर अभिषेक भी मौजूद रहे हों, और संजय की जगह उन्होंने ही ओके किया हो अपनी वाइफ और ऋतिक के बीच फिल्माए गए इंटिमेट सीन के फाइनल टेक को। लेकिन अगर अभिषेक के गुजारिश के सेट पर मौजूद होने की खबर सही थी, तो क्या इसकी वजह है धूम और जोधा अकबर के बाद तीसरी बार रिपीट हो रही ऐश और ऋतिक की जोड़ी। As actors have had the chance to work in films back to back and yet give something different to our audience each time where you don't feel ki अरे अभी अभी we saw their film together. If you will not experience that, beat in Dhoom, beat in Jodha Akbar or beat in Guzari. तो क्या ऋतिक के साथ ऐश्वर्या का इंटिमेट सीन ही कर गया अभिषेक को इनसिक्योर, और म्यूजिक लॉन्च पर इग्नोर फील कर रहे अभिषेक पहुंच गए थे गुजारिश के इंटिमेट सीन की शूटिंग देखने। It depends what intimacy is. If you go to the villages, holding hands is too intimate. If you come to Bombay, if you kiss, it's too intimate in public. If you go to New York, nothing is intimate. It's all okay, you know. So these are all human conditioned mindsets. You know, what is intimate for you might not be intimate for somebody else. आमिर और सलमान के तो कई दीवाने हैं जो उन्हें मानते हैं टॉप एक्टर, मगर आमिर और सलमान खुद किसे मानते हैं अपना फेवरेट एक्टर?
आमिर और सलमान बॉलीवुड के दो टॉप खान्स और इनके फैंस की लिस्ट तो अब करोड़ों का नंबर भी पार कर गई है। लेकिन ये दोनों ही खान्स एक ऐसे एक्टर के फैन हैं जो बड़े एटीट्यूड से कहा करते थे कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जब इन दोनों ही खान से हमने उनके फेवरेट एक्टर के बारे में पूछा तो दोनों ने जो जवाब दिया वो किसी सरप्राइज से कम नहीं था। गोविंदा, मुझे गोविंदा का काम बड़ा पसंद है। Yes, you heard it right. चीची ही है आमिर और सलमान की एक जैसी पसंद और गोविंदा के बारे में कोई भी रबिश टॉक करे तो इन्हें पसंद नहीं है। After all, चीची फेवरेट जो हैं। अगर आप दोनों के इस कन्फेशन से सरप्राइज्ड हैं, तो ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि गोविंदा की फिल्म सैंडविच जो शायद कब आई और कब चली गई आपको याद भी नहीं है, आमिर ने कई बार देखी है। वही सलमान तो है ही गोविंदा के फेमस पार्टनर। इमरान हाशमी सेल्फिश एंड ग्रीडी, ये हम नहीं खुद इमरान कह रहे हैं। जूम से एक्सक्लूसिव चैट के दौरान इमरान ने किए कई ऑनेस्ट कन्फेशंस। मैं अभी सेल्फिश हूँ, अभी ग्रीडी हूँ। यू हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम इमरान। वो है ग्रीडी, वो है सेल्फिश और सेल्फिश है इस कदर कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को चूज करते वक्त उन्होंने ध्यान में रखा कि उनका रोल अजय के मुकाबले तगड़ा हो। जो भी फिल्म करें आप, आपको तो फायदा होना चाहिए। इमरान ये भी मानते हैं कि वो फिल्म्स का सिलेक्शन तभी करते हैं जब उन्हें पूरी तरह से यकीन इस बात का हो कि इसमें उनकी विन विन सिचुएशन है। मैं अभी सेल्फिश हूँ, अभी ग्रीडी हूँ। अगर आप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की बात कर रहे हैं, जो फायदा मुझे उस फिल्म से हुआ था, आई थिंक इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म फॉर मी। ऐसी फिल्म को छोड़ना जस्ट टू डू अ सोलो फिल्म, आई थिंक इट वुड बी वेरी स्टूपिड ऑन माय पार्ट। वेल, इमरान की ग्रीड और हंगर फॉर वर्क का ऑनेस्ट कन्फेशन सजेस्ट करता है कि फिल्मों में ग्रे शेड रखने वाले इमरान रियल लाइफ में भी थोड़े ग्रे हैं, चाहे वो एक पॉजिटिव वे में ही क्यों ना हो। ब्रेक के बाद की स्टार कास्ट इमरान और दीपिका आर बैक टुगेदर विदाउट अ ब्रेक। लव आजकल के को प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने इस कपल को साइन किया है अपनी अपकमिंग लव स्टोरी के लिए। फिल्म ब्रेक के बाद अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन फिल्म के प्रोमोज में ही दीपिका और इमरान की जोड़ी ने प्रोड्यूसर दिनेश विजन को इतना इम्प्रेस किया कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्होंने अपनी आने वाली अनटाइटल लव स्टोरी के लिए इस कपल को साइन कर लिया है। फिल्म को बीइंग साइरस के डायरेक्टर होमी अदाजानिया डायरेक्ट करेंगे और ये बात कन्फर्म की है इमरान खान ने। Yes, it's true. We both had a lovely time doing Break Ke Baad, and I'm very happy that we are doing Homies next. Producer Dinesh Vijan ke saath Love Aajkal ke baad ye Deepika ki dusri film hogi, aur Imran aur Deepika ki bhi as a couple ye hogi dusri film. Well, Deepika ne film Tuesday evening ko sign kar li hai, and according to the sources, Imran bhi film ko jaldi sign kar lenge. करीना ने प्रियंका को ब्रांड वॉर में पीछे छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, करीना के हाथ में है सबसे ज्यादा ब्रांड्स एंड शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। करीना के फिगर का साइज भी जीरो है और उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट की कमाई में भी है ढेर सारे जीरोस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे करीना है इस साल की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन ब्रांड एंडोर्समेंट्स। और करीना ने ये ताज छीना है प्रियंका चोपड़ा से, क्योंकि लास्ट ईयर प्रियंका थी क्वीन ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स और प्रियंका के हाथ में थे करीना से भी ज्यादा ब्रांड्स। करीना इस साल जहां मोर देन 12 ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रही हैं, वहीं अकॉर्डिंग टू द सर्वे प्रियंका कर रही है अप्रोक्सीमेटली 9 ब्रांड्स एंडोर्स। इतना ही नहीं, जहां करीना को एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए मिल रहे हैं 2.5 करोड़, वहीं पिगी जॉब्स गेट्स अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज पर ब्रांड। वैसे अब तक प्रियंका और करीना कंपटीशन में साथ साथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही करीना को मिला मेट्रो शूज का ब्रांड एंडोर्समेंट, वो बन गई नंबर वन। वेल, करीना और प्रियंका में ब्रांड वॉर जून 2008 से शुरू हुई थी, जब प्रियंका ने एक वेल नोन सो ब्रांड से करीना को कर दिया था रिप्लेस। Much has been fabricated by you all because you'll haven't seen the film. So I think you'll need to see the film before these unnecessary stories are created. ऐश्वर्या की ये सफाई इसलिए है क्योंकि गुजारिश के सेट्स पर से न्यूज आई है कि उनके और ऋतिक के बीच एक इंटिमेट सीन शूट किया गया है। You'll need to see the film before these
अननेसेसरी स्टोरीज आर क्रिएटेड। ऐश्वर्या राय बच्चन ने मीडिया से यही गुजारिश की है अपनी फिल्म को लेकर, क्योंकि खबरों में जहां एक तरफ ऋतिक से उनके इंटीमेट सीन की चर्चा है, तो ये भी खबर आ रही है कि गुजारिश में होगा ऐश और ऋतिक के बीच अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट किस। अगर ये खबर सही है तो धूम के बाद ऐश्वर्या और ऋतिक का ये एक और किसिंग सीन भी काफी धूम मचाएगा। लेकिन ऐश्वर्या तो इन खबरों को सरासर गलत बता रही हैं। Been fabricated by you all because you haven't seen the film. So I think you'll need to see the film before these unnecessary stories are created, because I think you'll be unnecessarily veering the audience's mindset away from the content of the film itself. And these stories have been created by you, and believe you me, very, very unwarranted, because when you see the film, there'll be none of what you guys are talking about. आज रणबीर कपूर रॉकस्टार के लिए अपने न्यू लुक पर काम कर रहे हैं और रणबीर को न्यू लुक देने की तैयारी कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हाकिम आलम। यूथ आइकन रणबीर कपूर एक बार फिर टेस्ट करने जा रहे हैं अपने लुक के साथ इन हिज अपकमिंग फिल्म रॉकस्टार। वो डॉन करने वाले हैं एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लुक और उनके इस लुक को क्राफ्ट करने वाले हैं द फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हाकिम आलम। वैसे इस फिल्म रॉकस्टार का एक लुक रणबीर और आलम ने ऑलरेडी कर लिया है वर्कआउट, एंड दिस इज द सेकंड टाइम दिस डुओ इज कमिंग टुगेदर टू डू द नेक्स्ट लुक फॉर द फिल्म। हर 10 दिन में हेयरकट कराते हैं, हल्का सा ट्रिम कराते हैं जिसको पाउडर ट्रिमिंग बोलते हैं, क्योंकि बाल लंबे कर रहे हैं अपने रॉकस्टार मूवी के लिए और उसमें काफ़ी लंबे बाल हैं। किस चीज़ है पिक्चर के अंदर जिसमें उनके कभी बाल छोटे हैं कभी लंबे हैं, तो भी फिलहाल लंबे बाल हैं उनके फिल्म के अंदर। रणबीर हैज बीन नोन फॉर सेटिंग स्टाइल ट्रेंड्स, फिर चाहे वो हो उनका रीसेंट अनजाना अनजानी का कूल कैजुअल एंड स्पोर्टी लुक, या फिर हो उनका सिंपल सर्दी बॉय लुक इन रॉकेट सिंह। अपने फेस अपील और स्टाइलिश एटीट्यूड के लिए रणबीर हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज, एंड नाउ व्हेन ही इज कमिंग टुगेदर विद अ सेंसेशन लाइक हाकिम आलम, लेट अस वेट एंड वॉच कि उनका ये न्यू रॉकस्टार लुक कैसा होगा। फॉर दिस कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आज की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट ये है कि मान्यता दत्त इज नाउ इन लेबर, तो हो सकता है जल्दी आ जाए एक गुड न्यूज। संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने आज अपने ट्विंस को जन्म दिया है। जैसे ही मान्यता दत्त को लेबर पेन शुरू हुआ, संजय दत्त उन्हें ले गए मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल और यहां आफ्टरनून में मान्यता ने जन्म दिया अपने ट्विन बेबीज को, जिनमें से एक है बेबी बॉय और एक है बेबी गर्ल। So now Sanju's dream of having a baby boy has come true, और साथ ही उन्हें मिल गई है एक प्यारी सी बेटी भी। You're happy for both of them, one boy and one girl. Absolutely. I think it's the best thing that could ever happen. Now it's time to show you a special report. टू स्टेट्स है टू माइंड्स में, साजिद बोले दीपिका, सिद्धार्थ बोले प्रियंका। वेल ये है हाल आने वाली फिल्म टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की। साजिद नडियाडवाला हु इज प्रोड्यूसिंग द प्रोजेक्ट इज वांटिंग टू कास्ट दीपिका पादुकोण एज ही फील्स द कैरेक्टर इज दैट ऑफ अ साउथ इंडियन गर्ल, एंड हेंस दीपिका होंगी इस रोल में बिल्कुल फिट। दूसरी तरफ पीसी के लॉयल सिद्धार्थ आनंद है इन फेवर ऑफ कास्टिंग प्रियंका ओनली इन द फिल्म। इन फैक्ट सिद्धार्थ तो है इतने फर्म ऑन दिस नोट दैट ही सेड इट्स ओनली पीसी that I want. तो चलिए, सिद्धार्थ ने तो क्लियर कर दिया है अपना स्टांस, बट साजिद के क्लोज सोर्सेज बता रहे हैं साजिद के दिमाग में है टू कंफ्यूजन। फर्स्ट whether he should produce the film Two States, second whether he should cast Priyanka in the film. However, confused साजिद ने अपनाया है बॉलीवुड का मोस्ट कॉमन डिप्लोमेटिक पैंतरा, जहां उन्होंने ये कह दिया है सिद्धार्थ कैन हैव whoever he wants in the film. इंटरेस्टिंग साजिद, नाम भी नहीं लिया और डाल दिया डिसीजन पूरा सिद्धार्थ पर, बट हु फाइनली गेट्स कास्टेड इन द फिल्म, वी विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। नाउ फॉर सम शॉर्ट एंड क्रिस्पी टीवी शॉट्स। बिग बॉस होस्ट सलमान खान एक बार फिर दिखा रहे हैं अपना जेनरस साइड। खली के कदमों पर गिरने वाले सलमान लगता है काफी कंसर्न्ड हैं खली की फिटनेस को लेकर, इसीलिए तो सलमान है सेंट हिज पर्सनल जिम के इक्विपमेंट्स टू खली इनसाइड द बिग बॉस हाउस। दीज इक्विपमेंट्स वर सेंट फ्रॉम सलमान्स पनवेल फार्म हाउस, पर मुश्किल तो ये हो गई कि जेनरस सलमान ने भेज दिए इतने सारे इक्विपमेंट्स के यूनिट वालों को हो गई मुश्किल टू सेंड ऑल ऑफ देम इनसाइड द हाउस। घर में वैसे ही इतने बड़े खली और साथ ही उनके इतने इक्विपमेंट्स को रखना एक साथ बहुत मुश्किल हो गया था। That is why it has been decided that some of the equipments might just go back to Salu Bhai's farmhouse.
Treat time for all the Rajni fans. Hum laaye hain aapke liye Rajnikant ki ye pictures in which he is enjoying the mother nature. Now you would be wanting to know where is your favorite star in these pics. Well, Rajni enjoy kar rahe hain Himalayas ki hawa. Ye robot dikha raha hai apni robot giri Himalayas ke oonche oonche pahadon par. Zara in pictures par nazar daliye. Kaise apne Rajnikant style mein Himalayas mein bhi apna jalwa dikha rahe hain Rajnikant. And here, Rajni looks as if he's totally engrossed in praying something hard to Lord. Wonder what he's asking for. Maybe 20 more years of looking young. And this one catches the sudden sensation in a total Yenna Raskala form with his dhoti tied up. Well, hope the meal is good enough, Rajni. And so was your Himalaya trip.